एपी ने क्या करके दिखाया, 152 एयरपोर्ट बनवाया, 22 एम्स बनवा के धर दिया और 80 करोड़ जनताओं को राशन मुफ्त में दिया है, देश भेज दिया, बेरोजगारी फैलाई वो, महंगाई बढ़ाई वो, ये कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं फैलाई है, कुछ नहीं, क्या कुछ करते नहीं। हो हम कट्टर बीजेपी है, काम क्या करते हो, काम नहीं कुछ, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हो तो नौकरी की तो अपेक्षा रखते होगे, नौकरी बिल्कुल पद खाली पड़े हैं वो कब भरे जाएंगे, अरे भरे जाएंगे क्यों नहीं भरे जाएंगे, तो सब क्या हो रहा है, मोदी जी हिंदू मुस्लिम में विवाद कराते हैं, राम मंदिर बनवा के वाहवाही लूट के वो सारे हिंदुओं को भ्रमित करके अपनी तरफ ले जाके जीत रहे हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं, इस पे हम नहीं बोल पाए, मेरा नाम है कनक मिश्रा, मैं मौजूद हूँ रायबरेली के दौलतपुर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी भीड़ में लोग आ रहे हैं, तो लोग आखिर आ क्यों रहे हैं आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी के साथ साथ यहाँ पे स्मृति ईरानी जी भी आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं उच्चहार के विधायक मनोज पांडे जी आज अपनी बीजेपी में सदस्यता लेने वाले हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर भारी भीड़ आई है, यहाँ पर जनता मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी कि इस बार कितना विकास हुआ है, कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे या फिर चेहरा बदलेगा, यहाँ से मैं आपको बता दूं राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि आपको पता होगा रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए शुरू से हॉट सीट रही है, तो क्या बीजेपी को थोड़ी मुश्किल होगी, यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी कि 2024 में होने क्या वाला है, तो आइए बात करते हैं, तो आपके नेता डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी को दिल्ली तक पहुंचाने से फिर रोक नहीं पाएगा, नौजवान साथियों क्या नाम है आपका, ये आपका प्यार है, ये आपकी ताकत है, क्या नाम है भैया, क्या नाम है, क्या नाम है, गिरीश सिंह, अच्छा ये बताइए कि 2024 में क्या इस बार परिवर्तन होने वाला है, जी जरूर होगा, नहीं परिवर्तन किस बात का होगा, बीजेपी सरकार आ रही है, इसमें परिवर्तन कहाँ होगा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनको आप लोग बनाइए, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बीजेपी कहाँ रहे आप देखिए, कहाँ से कांग्रेस की सरकार बन सकती है, यहाँ पे जो लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, यहाँ पे समीकरण अगर बनेगा तो देखा जाएगा, और रायबरेली तो कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, जी जी यहाँ पे हो सकता है कुछ हो जाए, यहाँ पे राहुल गांधी जी जाएंगे, जरूरी नहीं है, दिनेश प्रताप सिंह जी भी बहुत जोर शोर से लड़ रहे हैं, इतना आसान नहीं किसी को हरा देना, तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद अचानक से आएंगे और वो जीत जाएंगे, तो इतना आसान नहीं, यहाँ से जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी तो कुछ असर पड़ता है, ये बताइए कि लोग कहते हैं, क्या नाम है, मोहम्मद उस्मान खान, उस्मान जी ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से वो हिंदू मुस्लिम में विवाद करा रही है, और लोग क्या कह रहे हैं, मैं नाम ले लेती हूँ, आपके जो अखिलेश यादव हैं इंडिया गठबंधन में, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम में विवाद कराते हैं, राम मंदिर बनवा के वाहवाही लूट के वो सारे हिंदुओं को भ्रमित करके अपनी तरफ ले जाके जीत रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पे हम नहीं बोल पाएंगे, अच्छा चलिए महंगाई पे तो बोलेंगे, हमारे युवा जो घूम रहे हैं बेरोजगार, 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, मोदी जी उनको कब भरेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आपकी चुनाव जीतते हो भर देंगे, अच्छा आपका क्या नाम है, जी आफा खान, अच्छा ये बताइए कि महंगाई इतनी सारी हो रही है, आपके पड़ोसी जिले अमेठी में स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी 13 रुपए किलो, ठीक है, उसके बाद सिर्फ वहाँ की नहीं, आप हर जिले की ले लीजिए, या आपके जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, नहीं महंगाई तो वैसे पहले से थी, लेकिन फिर भी लोग जी रहे हैं, सब कुछ वैसे कर रहे हैं, लोग जिएंगे ही ना, तो बस उसी पे हम बोलेंगे, और आपका क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह, चलिए ये बताइए कि मोदी जी की सरकार जब से आई तब से कितना विकास हुआ है, हमें तो विकास के अलावा कुछ दिखा नहीं, अच्छा विकास के अलावा कुछ दिखा नहीं आपको, लाखों लोग काम कर रहे हैं, शौचालय लैट्रिन रोड जो भी कुछ बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी देश, तो क्या उसमें किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, चलिए आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, क्या नाम है आपका, दादा क्या नाम है, चंद बहादुर, अच्छा ये बताइए कि इस बार आप किसको जिताने वाले हैं, कमल के फूल, कमल के फूल को किस आधार पे जिताएंगे, किस आधार पे वोट देंगे, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार मिला है, क्या रोजगार मिला बताइए, खेती बाड़ी के काम है हमारे पास, खेती बाड़ी कौन सा रोजगार है, युवाओं के लिए क्या किया गया, युवाओं के लिए, अच्छा खेती बाड़ी है, केवल खेती बाड़ी करते हैं, क्या नाम है आपका, पिंटू पटेल, पिंटू पटेल, किसको वोट देंगे इस बार, भाजपा को, क्यों देंगे, क्यों देंगे, किस आधार में
वोट देंगे आपको, क्या ऐसा लग रहा है कि भाजपा को फिर से आना चाहिए? अरे तो क्या सब लोग दे रहे हैं, अरे दे रहा हूँ, खर्ची दे रहा हूँ मतलब। क्या क्या नाम है आपका भैया? हरकेश। हरकेश नाम है, चलिए हरकेश जी ये बताइए 2024 में मोदी जी को किस आधार पे वोट देंगे? क्योंकि मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा कि आप वोट किसको देंगे, क्योंकि आप यही टांग के आए हैं, समझ गए कि भाजपा ही हो, किस आधार पे वोट दोगे? अरे हम तो कांग्रेस में नहीं है, डायरेक्ट भाजपा में है। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि कांग्रेस में हो, कह रहे हैं किस आधार पर मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मोदी जी डाले कांग्रेस में हो, हम क्यों डाले कांग्रेस में? मोदी जी को बनाएंगे, हमको कांग्रेस ने क्या दिया? अच्छा, मोदी 65 साल में हमको कांग्रेस ने क्या दिया? लोग कह रहे हैं कि 70 साल से लेके एयरप्लेन तक कांग्रेस ने बनवाया है। अरे क्या बनवाया है? कुछ नहीं बनवाया कांग्रेस ने, कुछ नहीं बनवाया। आने वाले सबका कहना है कि जो राय बरेली और आपकी सत्ता वो अमेठी है, ये कांग्रेस का गढ़ है। आने वाले राज किया आने वाले 10 साल में बीजेपी ने क्या करके दिखाया? 152 एयरपोर्ट बनवाया, 22 एम्स बनवा के धर दिया और 80 करोड़ जनताओं को राशन मुफ्त में दिया है, देश भेज दिया, बेरोजगारी फैलाई वो, महंगाई बढ़ाई वो, ये कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं फैलाई है, कुछ नहीं। क्या करते हो? हम कट्टर बीजेपी है। काम क्या करते हो? काम नहीं कुछ, पढ़ाई लिखाई करते हैं। करते हो तो नौकरी की तो अपेक्षा रखते होगे? नौकरी बिल्कुल नहीं, लाख पद खाली पड़े हैं, वो कब भरे जाएंगे? अरे भरे जाएंगे क्यों नहीं भरे जाएंगे? तो सब क्या हो रहा है? देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और हम एक छोटा रूप आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो रोजगार और व्यवसाय के रूप में हमारा विश्व में 7वां नंबर था, आज हमारा 22वां नंबर था। जब से मोदी सरकार बनी है तब से हमारा ये देश अग्रसर हुआ है, युवाओं को रोजगार भी मिला है, काम भी कर रहे हैं। रायबरेली केवल उनके जनपद के नाम से जानती थी, रायबरेली ये कांग्रेस का गढ़ है, पर ऐसी मान्यता नहीं। अब की ये चुनाव में उनको बैक का बैक बताएगा कि चुनाव कहाँ जा रहा है। उन्होंने विकास की डोर पर कोई कार्य नहीं किया है, और मोदी जी के द्वारा जो भी कार्य जन कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों को लगभग सारी उपयोगिताएं मिली, इसलिए अब की बार अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। धन्यवाद। क्या नाम भैया? सोनू सिंह, सिद्धार्थ पांडे। सोनू सिंह ये बताइए कि विपक्षी कहता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम में विवाद कराते हैं, उसके बाद वो जहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं उसको अच्छी नजर से देखता हूँ। अच्छी नजर से देखते हैं। और जो कहते हैं चुनाव का मुद्दा एक बनाने का कोशिश है, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में विवाद कराते, ऐसा कुछ नहीं है, वो मोदी जी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। बाकी जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार मोदी जी की बुराई कर रहा है। और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 70 साल जो थी, आपने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम में विवाद नहीं कराते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने भाषण में मुस्लिमों को बहुत कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की औलाद और पता नहीं क्या क्या, ऐसा आपके मोदी जी ने कहा है, तो इसको आप अपने देखते हैं, ये बताइए आप मुझे। मोदी जी ने अगर ऐसा कहा है तो जिसने वो सुना वो साक्षात्कार दे कि हाँ मोदी जी ने ऐसा कहा है, जनता के बीच में उसको बोलना चाहिए। और जब वीडियो क्लिप्स जो है इंटरनेट पे